बरेली में आपका स्वागत है महिला खान। आइए चलते हैं आज के समाचारों की। सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन की न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस। स्कूलों में हुए कार्यक्रम, जगह जगह फहराया लोगों ने तिरंगा, लगाए भारत माता की जय के जयकारे। गुरुवार को शहर के सरकारी विभागों से लेकर स्कूलों व राजनीतिक सामाजिक संगठन ने 73 वर्ष स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया। सुबह से ही शहर में स्वतंत्रता दिवस पर जगह जगह तिरंगा लगाए लोग नजर आए। सभी के दिल में आजादी के तराने नजर आ रहे थे। चौकी चौराहे पर बने गांधी पार्क में महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने ध्वजारोपण किया। तत्पश्चात वंदे मातरम के साथ राष्ट्रीय गान गाया। इसके बाद महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, नगर आयुक्त सैम्यूल पाल समेत लोगों ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर डॉक्टर उमेश गौतम ने शहर को संदेश देते हुए कहा, हम आपको क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बधाई इस बात की भी कि काफी सालों बाद आजाद देश में कश्मीर में हम अपना तिरंगा फहरा पाए, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। एक देश एक संविधान, कुछ परिस्थिति बस ऐसा हुआ था कि कश्मीर में हम लोग तिरंगा नहीं फहरा पा रहे थे, लेकिन ये 73वां स्वतंत्रता दिवस इसलिए भी याद रखा जाएगा कि आज के दिन वहां की हर गांव में, हर पंचायत में, हर जिले में, हर जगह आज तिरंगा फहराया जा रहा है। वही नगर आयुक्त सैम्यूल पाल एंड ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आज इस शुभ अवसर पर यहाँ पर देश के आधार को याद रखने के लिए आए हुए वरिष्ठ नागरिकगण और मेरा छोटे बच्चे, मैं सबको पहले सर्वप्रथम इंडिपेंडेंस डे 73rd इंडिपेंडेंस डे को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा देश 73 साल पहले अंग्रेजों से हम लोग आजाद हुआ है और हमारे आज एक अच्छा अवसर है। सभी को हम लोग याद रखना चाहिए, हमारा स्वतंत्रता को भी याद रखना चाहिए और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हम लोग 26 जनवरी भी मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं, हम लोगों का हिडन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित में हम लोग भारत के संविधान को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 26 नवंबर 1949 में अपनाया है और उसके बाद हम लोग बहुत आगे बढ़ गया है। लगभग 73 साल हो गया है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, रोजगार में, सब में हमारा देश आगे बढ़ गया है और भी आगे बढ़ने की जरूरत है। हम लोगों का एक उद्देश्य होना चाहिए, नगर निगम में भी हम लोग बहुत काम करते हैं, अर्बन एरिया में काम करते हैं, रूरल डेवलपमेंट में सरकार काम करते हैं और दूसरे देश के हिसाब से हम लोग भी जल्दी से जल्दी सुपर पावर बनना है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी यही कहा है, 2020 में इंडिया सुपर पावर हो जाएगा। कड़ी में कलेक्ट्रेट पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। जिलाधिकारी बिंद कुमार सिंह ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गान गाया। इसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया। तत्पश्चात द्रौपदी कन्या पाठशाला की छात्राओं ने शिक्षिका रीता शर्मा ने के नेतृत्व में वंदे मातरम के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रस्तुति। Yeah.
वहीं जिलाधिकारी बेंदो कुमार सिंह ने स्कूली छात्रों को प्रशस्ति पत्र भेंट किए। इससे पूर्व कार्यक्रम में मौजूद सभी अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार रखे। वहीं लोगों ने देश के ऊपर शेरशाही सुनाकर मन मोह लिया। तुम्हें रंदा सबूत लब्बे भारत आज जिंदाबाद होना चाहिए, लब्बे भारत आज जिंदाबाद होना चाहिए। और दो शेर और कहूंगा के प्रशासन के लिए खासतौर से, कौन कहता है खतरे में जाए, कौन कहता है खतरे में जाए, अब बरेली में अमनो अमा है, अब बरेली में अमनो अमा है, अब नहीं हो सकती कोई हिंसा, ऐसा प्रशासन जबके यहाँ है। अब नहीं सबकी पहचान है, ये हदी है बहुत सबकी ही जान है, सारी दुनिया में भारत की ये शान है, ये हसी ख्वाब की एक ताबीर है, अपना कश्मीर है। तो आज स्वतंत्रता दिवस का है कि हम सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। देश कहीं अलग चीज नहीं है कि कहीं अलग बना हुआ, हम ही लोग देश है, जितने अच्छे हम होंगे उतना अच्छा हमारा देश होगा। मौके पर जिलाधिकारी बिंदु कुमार सिंह ने सभी को शुभकामनाएं दी। बहुत ही उल्लास से और बहुत ही गरिमा से मनाया जा रहा है और बरेली की जो जनता है इसमें पूरे तरीके से बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। अभी हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में झंडारोहण किया, स्थान स्थान पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, कार्यालयों में संस्थानों में झंडारोहण का कार्यक्रम हो रहा है, रैलियाँ निकल रही हैं, अन्य देशभक्ति संबंधी कार्यक्रम हो रहे हैं। एक बहुत ही अच्छे वातावरण को हम देख रहे हैं और इस अवसर पर समस्त जनपद वासियों को प्रशासन की ओर से अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हम हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। वही बकरा ईद पर सावन के आखिरी सोमवार को आपसी शोहर के लिए धन्यवाद देते हुए, प्रशासन तो अपना प्रयास करता है लेकिन जब तक जनता उसमें सहयोग नहीं देती है, उसकी भावना अच्छी नहीं रहती है, तब तक उतनी सफलता नहीं मिलती है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो त्यौहार अच्छी तरीके से बीते हैं इसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ की जनता का है, जिसने शांति के पक्ष में, जिसने सद्भाव के पक्ष में अपने को आगे खड़ा किया है। और मैं यहाँ की बरेली की जनता को भी बधाई देता हूँ। इसी कड़ी में कमिश्नरी में 73वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस पर कमिश्नर रणजीत प्रसाद ने ध्वजारोहण किया, तत्पश्चात राष्ट्रीय गान प्रारंभ हुआ। मौके पर कमिश्नर प्रसाद ने 73वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए स्वतंत्रता दिवस पूरा देश हर्षोल्लास का मना रहा है, शत मना रहा है। इस अवसर पर मंडल के सभी निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश उल्लास और जोश से भरा है और हम लोग अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं, उन लोगों को याद कर रहे हैं जिनके कारण हम लोगों को यह स्वतंत्रता मिली है। और हम लोग इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि स्वतंत्रता कायम रखेंगे और संविधान के मूल्यों की रक्षा करेंगे। इसी श्रृंखला में एडीजी कार्यालय पर ध्वजारोहण कार्यक्रम बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। इसमें एडीजी अवनीश चंद्र ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गान गाया। साथ ही पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे को बधाई दी। ध्वजारोहण के उपरांत एडीजी अविनाश चंद्र ने सभी जिलों की पुलिस सहित जनता को 73वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा।
आज हम लोग राष्ट्रीय पर्व 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी जोन के, बरेली जोन के सभी नागरिकों को, सभी अपनी पुलिस बल को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देता हूं। और आज संकल्प लेने का दिन है कि हम लोग जो भी ड्यूटियां हमारी हैं उसको सेवा भाव से करेंगे और अपनी ड्यूटियों को करते हुए कर्तव्य बोध हमारे मन में रहेगा कि हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। पुलिस लाइन में ध्वजारोहण कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर SSP मुरलीधर जी ने ध्वजारोहण किया। वहीं बरेली कॉलेज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कॉलेज का समस्त स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टर अजय शर्मा ने ध्वजारोहण किया। उसके बाद सभी ने राष्ट्रीय गान गाया। स्वतंत्रता दिवस पर खुशी जाहिर करते हुए टीचर्स ने कहा, वर्तमान में मेरे पास जिला गाइड कमिश्नर का कार्यभार है। आज इस रैली में हमारे स्काउटर्स गाइडर्स ने डिस्ट्रिक्ट के क्रीड़ा विद्यालय में जो है पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से कुछ विद्यालयों ने तो कई कई चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है। झांकी में किया है, मार्च पास में गाइड के किया है, रेड क्रॉस में और सांस्कृतिक कार्यक्रम में। और सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो प्रतिभागी टीम्स थी वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन करके वो अपने अपने विद्यालयों में वापस जा चुकी है। मार्च पास के बच्चे, स्काउटर्स गाइडर्स और हमारी रेड क्रॉस की टीम, बैंड के बच्चे, वो सब इस समय झांकी वाले बच्चे वो अभी प्रतिभाग कर रहे हैं जो रैली के रूप में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। कब से लगातार निकलती आ रही है ये हमारी रैली? ये रैली तो मैं 91 में एज ए प्रिंसिपल कमीशन से सेलेक्ट होकर ज्वाइन किया था, तब से तो मैं निरंतर देख रही हूँ और उससे पहले से जो है ये परंपरा यहाँ पर चली आ रही है। रैली का मुख्यतः उद्देश्य क्या रहता है, ये जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं उस मौके पर निकालने का? उसका उद्देश्य यही होता है कि बच्चे जो है अपने राष्ट्रीय दिवस के बारे में जागरूक हों, देश के प्रति प्रेम की भावना हो, देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा की भावना, अनुशासन की भावना जागृत हो और सबसे ज़्यादा जो सांप्रदायिक सद्भाव उनके अंदर उत्पन्न हो, उसके लिए जो है बहुत जरूरी है कि हम बच्चों के अंदर राजनीतिक चेतना को भी जागृत करें उन पर्व के बारे में। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि कौन रहे? हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक बरेली डॉक्टर अचल कुमार ऋषि जी हमारे मुख्य अतिथि रहे। इन्होंने हरी झंडी दिखाकर बरेली कॉलेज से इस रैली को प्रारंभ किया। कर्मचारी नेता जितेंद्र मिश्रा ने 73वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी। आज 15 अगस्त 73वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया, ध्वजारोपण किया गया, विद्यालयों में खेल की प्रतियोगिताएँ हुई, कुछ जगह वृक्षारोपण भी हुआ, सद्भावना रैली निकाली गई और अभी 4 बजे से स्काउट की, NCC की, रेड क्रॉस की एवं अन्य जो छात्र छात्राएँ हैं उनकी रैली बरेली कॉलेज से प्रारंभ होते हुए यहाँ कुटवाली पर GIC में इसका समापन होगा। इस प्रकार से जो आज का कार्यक्रम था पूरे हर्ष उल्लास के साथ सभी विद्यालयों में समाज के सभी वर्गों के द्वारा मनाया जा रहा है और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से विधिवत ढंग से संचालित है। इस श्रृंखला में कांग्रेस के पदाधिकारी ने सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में ध्वजारोहण का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ किया। तत्पश्चात सभी ने राष्ट्रीय गान गाकर भारत माता जय के जयकारे लगाए। इस मौके पर कांग्रेस के पदाधिकारी ने बताया, स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आज 15 अगस्त 2019 को बरेली जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में ध्वजारोहण यहाँ किया गया है और
हमारे तमाम हमारे AICC सदस्यगण और हमारे PCC के सदस्यगण, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण सभी ने हर्षोल्लास के साथ जो है स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया है। और हम समझते हैं कि जिस तरीके से हमारे क्रांतिकारी साथियों ने, हमारे क्रांतिवीरों ने, हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, अपनी जान की कुर्बानी दी, उनकी शहादत को हम सब नमन करते हुए देश की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने का आज हम यह संकल्प लेते हैं। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी, संघर्ष करती रहेगी, और हम देश को हमेशा एकजुट रखकर सद्भावनापूर्ण माहौल में देश को विकास के रास्ते पर लाएंगे। इसी कड़ी में उपजा प्रेस क्लब में 73वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के अध्यक्ष पवन सक्सेना ने ध्वजारोहण किया तथा सभी ने राष्ट्रीय गान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तत्पश्चात भारत माता की जय के नारे लगाए। इस मौके पर उपजा प्रेस क्लब के अध्यक्ष पवन सक्सेना ने देश में पत्रकारों को भागीदारी करने का संकल्प देते हुए कहा, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को, राष्ट्रवासियों को, अपने जनपद वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज के इस अवसर पर, इस शुभ अवसर पर, जबकि स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन दो पवित्र त्यौहार हैं, इस अवसर पर आज सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम लोगों ने यहाँ पर ध्वजारोहण किया है प्रेस क्लब पर, और साथ ही सभी पत्रकार भाइयों ने ये संकल्प लिया है कि जैसे राम सेतु के निर्माण में एक छोटी सी गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था, वैसे इस देश का एक एक पत्रकार इस राष्ट्र के निर्माण में अपना जो भी समुचित योगदान है वो देगा, और इसी संकल्प के साथ आज हमारा कार्यक्रम हुआ। इसी कड़ी में खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें स्कूल ने प्रिंसिपल ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक ने शुभकामना देते हुए कहा, मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने विद्यालय की ओर से यही संदेश देना चाहूँगा अपने प्यारे छात्रों के लिए, सारे देशवासियों के लिए। सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई के साथ, जिस प्रकार से हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई है, अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाई है, उस आज़ादी को हम संजो के रखें और उस आज़ादी का मायने समझें और सचेत रूप से अपने देश के लिए, अपने देश में भाईचारा बढ़ाने के लिए कार्य करें और अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करें, यही हमारी स्वतंत्रता की सच्ची कामयाबी है। जय हिंद। इसी कड़ी में समाई संगठन ने 73वें स्वतंत्रता दिवस पर बढ़ कर हिस्सा लिया। शहर के चौराहों पर सभी लोगों ने धूमधाम से ध्वजारोहण कर भारत माता की जय के जयकारे लगाए। कड़ी में नगर निगम में ध्वजारोहण कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने ध्वजारोहण का राष्ट्रीय गान गाया। सबसे पहले आपको 73वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। तरक्की हो रही है देश में, क्या तरक्की हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी योजनाएं हैं शायद वो हम लोगों को बता नहीं पा रहे हैं। जिनको लाभ मिल रहा है शायद वो दूसरे लोगों से उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आवास की योजना चलाई कि हर गरीब व्यक्ति जिसके पास आवास नहीं है 2022 तक उसके पास आवास होना चाहिए। मैं तारीफ करना चाहूंगा अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की, जिन्होंने पूरे देश में उत्तर प्रदेश को आवास योजना में प्रथम स्थान दिलाया है और सबसे ज्यादा आवास उत्तर प्रदेश में बना के दे दिए हैं। दोस्तों, उज्ज्वला गैस योजना आपने सुनी होगी, वो माताएं बहने भी देखी होंगी गांव में, चूल्हे पर रोटी बनाया करती थी,
आंखें भी फूट जाती थी, 50-60 से हल्की उम्र में मोतियाबिंद जैसी बीमारियां उनको घेर लेती थी। ऐसी माताओं को बहनों को जो उज्ज्वला कनेक्शन देकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, उसी को आगे बढ़ाया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, और उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिलाने वाला देश बना, प्रदेश बनाया दोस्तों। अभी दो सालों में पिछले साल 60,000 करोड़ के, और हमारा प्रदेश भी आगे अग्रतर दिशा में बढ़ रहा है दोस्तों। ये लगातार इस तरह के कार्य, अगर आपको पता होगा कि एक मुद्रा योजना, जो व्यक्ति खुद से कोई व्यापार करना चाहता है, छोटा व्यापार करना चाहता है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब लोग ऐसे बने कि वो नौकरी नहीं, नौकरी देने वाले बने, ऐसे एंटरप्रेन्योर बने, ऐसे काम करें। कोई भी काम दुनिया में छोटा नहीं होता, हर काम सम्मान के साथ किया जा सकता है। वो तो उनके लिए मुद्रा योजना 50,000 रुपए तक के लिए, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना, सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए। ऐसी योजना से अगर सबसे ज्यादा लाभ किसी ने उठाया इस देश में, तो उत्तर प्रदेश के युवाओं ने उठाया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने उठाया दोस्तों। और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं। बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं कि किस जाति के लोगों को कौन सा लाभ मिल रहा है। मैं आप दावा कर सकता हूं कि यह हिंदुस्तान देश है जिसके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी जाति बिरादरी को विशेष नहीं रखा, सभी जाति बिरादरी एक है, और ये सारी योजनाओं का लाभ सभी जाति बिरादरी के लोगों को मिल रहा है दोस्तों। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो ऊर्जा की योजना चली, उसमें गांव गांव तक बिजली तो पहुंची ही, लेकिन जितने भी गांव के जो एरिया ऐसे थे कि जहां पर लाइट नहीं जा पा रही थी किसी भी वजह से, उत्तर प्रदेश के हर गांव को, हर गांव जिन्होंने शायद अभी भी देश की आजादी के 73 साल में भी सोचा था कि पता नहीं लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में एक भी गांव ऐसा नहीं जिसमें लाइट ना पहुंच गई हो दोस्तों। ये सारे कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तेजी से अगर बढ़ा रहे हैं, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से जो स्मार्ट सिटी की योजना है, स्मार्ट सिटी में लोग ये जरूर कह सकते हैं कि साहब 1.5 साल हो गया, बरेली में अभी क्या काम हुआ है, लेकिन आप लोग सब जानते हैं, सारे अधिकारी और कर्मचारी लोग इतना जानते हैं कि जब कभी भी किसी योजना को लागू किया जाता है तो सबसे पहले उसका पेपर वर्क किया जाता है, सारी DPR तैयार की जाती है, कागज तैयार किए जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई योजना आई और तुरंत कहीं भी पैसा लगा दिया, ये देखा जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट इस शहर के लिए अच्छा होगा, लंबे समय के लिए अच्छा होगा और लोगों को फायदा देने वाला होगा। मैं आपको ये अधिकारियों के जो मुझे इनपुट मिले हैं, मैं उस पर ये दावा कर सकता हूं कि आने वाले 1 साल में बदलाव तो आपको अगले महीने से दिखना शुरू हो जाएगा। जो 25 पार्क है, अगले महीने से उसमें ओपन जिम लगने वाले हैं। हम बरेली के लोगों की सेहत का भी ख्याल करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि सारे लोग बरेली के युवा ही रहें, सेहतमंद रहे, सेहत पे उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए सबसे पहली योजना ये आ रही है। इस तरह की योजनाएं स्मार्ट सिटी की बहुत सारी आ रही हैं, स्मार्ट रोडों की आ रही हैं। आपको पता है यहाँ का सीवर, सारे हमारे कर्मचारी जानते हैं, हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी जानते हैं कि सीवर लाइन यहाँ की इतनी पुरानी है, जगह जगह बैठ जाती है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी हम लोग काम चला रहे हैं। लेकिन योजना में उसका काम भी शुरू हो गया है और अब मेन सीवर टैंक भी पूरी लाइन बदलने जा रही है। 15 अगस्त आज के बाद काम उसमें शुरू हो जाएगा, टेंडर उसका हो चुका है। तो दोस्तों, लगातार हम स्मार्ट सिटी के कामों में आगे बढ़ रहे हैं, बरेली को स्मार्ट बनाने में आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो गौ माताएं जो दूध देना बंद कर देती थी, उनको लोग कहीं भी छोड़ देते हैं, कूड़े के ढेरों पर अक्सर देखी जाती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के अनुसार हम लोगों ने बरेली में कान्हा भवन बनाया
और उन गौ माताओं को भी सम्मान देने का काम किया, उनको खाना उपमन में बहुत बढ़िया भोजन और सारी व्यवस्थाएं की गई। तो दोस्तों, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इस आगे बढ़ने में लेकिन सभी के सहयोग की आवश्यकता है। कुछ लोग होते हैं जिनकी निगाह ही नकारात्मक होती है, जिनकी सोच ही नकारात्मक होती है, लेकिन हम उनकी तरफ ना देखें, हम कामों की तरफ देखें, हम अच्छे पढ़ने की बात करें। क्योंकि मौके पर नगर निगम कर्मचारियों ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। वही नगर आयुक्त सैनुल पाल ने सभी देशवासियों को 73वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। हमारे पार्षद इन काम पर बैठ रहे हैं ऑफिस के लिए, तो उसको भी मजबूत करना हमारा जरूरी है। और मैं आपके भी विचारधारा में रखना चाहता हूँ, आप भी इसको सदन में उठ सकते हैं। हर जगह पर आज की तारीख में आज कैसे नगर निगम में फ्लैग होस्टिंग हो रहा है, वैसे हर वार्ड में आप सोच सकते हैं अगले साल हम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं रहेगा, 2-3 लाख के खर्चा रहेगा, प्रॉपर हमारा वार्ड मेंबर को मिलेगी, वो ऑफिस में बैठेंगे। जैसे यहाँ पर जन सुनवाई हो रहा है वैसे वहां पर भी जन सुनवाई हो सकता है, और आपका वार्ड मेंबर, आपके सैनिटेशन इंस्पेक्टर, जो भी फील्ड लेवल कर्मचारी वहां पर बैठ सकते हैं, जनता को समस्या को सुन सकते हैं। 80 वार्ड में 80 हम लोग वार्ड ऑफिसेस बना सकते हैं और 4 जोन में हम लोग जोनल ऑफिसेस बना सकते हैं। इसको मजबूत करने की जरूरत है। जैसे हमारा रूरल डेवलपमेंट में मैं देख के आया हूँ, मैं प्रयागराज में लगभग 3,80,000 शौचालय बनाया 2 साल में, यहाँ पर केवल 8,800 शौचालय है टोटल टारगेट, बट ये पूरा नहीं हो पा रहा। तो शहर की चैलेंजेस अलग है, तो चैलेंजेस के हिसाब से हमारा इंस्टीट्यूशन मजबूत होने की जरूरत है। जब हम लोग कुछ इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग बनाएंगे, अपने आप काम हो जाता है, मैन पावर के इश्यूज भी सॉर्ट आउट होगा, सरकार भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से ज्यादातर काम लेना चाह रहा है, तो हमारा मैन पावर की कमी नहीं रहेगी। और माननीय महापौर महोदय का एक पहल रहा है कि कुछ वार्डों में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में पूरा सफाई अभियान सुनिश्चित करें। 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी ये कहा नगर निगम जो भी काम करें स्वच्छता के संबंध में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नगर निगम का सारे काम बहाल हो जाएगा। सो हमारा सबसे प्राथमिकता स्वच्छता रहना चाहिए और साफ सुथरा रहना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रहना चाहिए। और आप लोग मालूम है मैनुअल स्कैवेंजिंग को भी खत्म करना है। सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री ये कहता है मैनुअल स्कैवेंजिंग कहाँ कहाँ हो रहा है, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, मैकेनाइज्ड सीवर का काम होना है। आप अभी देख रहे हैं 4 मशीन हम लोग ने डिस्प्ले कर रखा है माननीय महापौर महोदय के द्वारा हर कमलों में, इसको भी हम लोग उद्घाटन किया जा रहा है। मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मतलब जनसंख्या कम होगी और कूड़ा उठान में आसानी रहेगी। टेक्नोलॉजी आज की तारीख में अवेलेबल है, उसको पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी, ग्रीन बरेली, सबकी बात हो रही है, उसके संबंध में विचार रखना चाहता हूँ। ये जब ये जन आंदोलन के रूप में नहीं हो सकता है, जनता का सहयोग नहीं मिल सकता है, शासन का जो भी कार्यक्रम है वो 100% सफलता नहीं मिलती है। तो मैं सारे कर्मचारीगण से भी आग्रह करूंगा और यहाँ पर उपस्थित सभी नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों, पत्रकार साथियों से भी मैं अनुरोध करूंगा, हमारा जो भी कदम है उसमें पॉजिटिव चीज भी आप जरूर देख लें और अपने तरफ से कितने सहयोग हो सकते हैं उतना सहयोग आप लोग हमको दे दें। मैं इससे आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, विकास के क्षेत्र में हम लोग काम करते रहेंगे, एक साल हम लोग कुछ करके दिखाना चाहते हैं। शहर में सफाई हो रहा है, रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लाइटिंग का कार्य हो रहा है, सब में मैं ये चाहता हूँ हम लोग जितना इंस्टॉलेशन में ध्यान देते हैं उसमें मेंटेनेंस में नहीं दे रहे हैं, तो मेंटेनेंस वर्क्स में हम लोग ज्यादा जोर देना है। और मैं संजय अग्रवाल, रामकुमार अग्रवाल ज्वेलर्स, निकट हिंद टॉकीज की ओर से अपने शहरवासियों को रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 3 तलाक पीड़िताओं ने मनाए स्वतंत्रता दिवस का अनोखा जश्न। वैसे तो आजादी का जश्न सभी मना रहे हैं, लेकिन इस बार का स्वतंत्रता दिवस 3 तलाक पीड़िताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें 3 तलाक जैसी कुप्रथा से आजादी मिल गई है। इस वजह से तलाक पीड़िताएं महिलाओं ने बहुत धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया। सबसे पहले तलाक पीड़िताओं महिलाओं ने ध्वजारोहण किया। रेलवे में जो तमाम विषमताएं थी, अलग अलग लोगों को अलग अलग वेतन मिला मिलता था, अंग्रेजों को कुछ और मिलता था, हिंदुस्तानियों को कुछ और एंग्लो इंडियनों को, तमाम विषमताओं को दूर कराने का काम 1946 में सबसे पहले वेतन आयोग उठाने का काम ऑल इंडिया रेलवे में शुरू हुआ।
और एक दूसरे को गले मिलकर मिठाई खिलाकर आजादी का जश्न मनाया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा, ये जो आज 15 अगस्त पे स्वतंत्रता दिवस पे हम लोग जश्न मना रहे हैं, ये मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी का दिन है। इसलिए क्योंकि वर्षों से सालों से मुस्लिम महिलाएं जो तीन तलाक जैसे दंश को झेल रही थीं, उस तीन तलाक का कानून आने के बाद जो आज स्वतंत्रता दिवस आया है 15 अगस्त पे, मुस्लिम महिलाएं आज पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुकी हैं, आज़ाद हो चुकी हैं इस दंश से। इसलिए महिलाएँ आज सही मायने में उनका 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, क्योंकि इतने साल आज़ादी को हो गए, महिलाएं अभी तक आज़ाद नहीं हो पाई थी। आज महिलाएं आज़ाद हो चुकी हैं, वो अपने हक हुकूक पाने के अधिकार उनको मिल चुके हैं। इसलिए आज उन लोगों ने सही आज जो स्वतंत्रता दिवस है वो आज मनाया है। वहीं जश्न में शामिल होने आई पीड़ित महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए मोदी सरकार से ये मांग करूंगी कि अगले 26 जनवरी तक महिलाओं के साथ जो भी कुरीतियां हैं सभी धर्मों में हैं, तो वो अगले जनवरी 26 जनवरी तक वो सभी समाप्त हो जाएं। और सबसे पहले तो मैं इस 15 अगस्त की सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। इन तलाक का तो बिल पास हो ही चुका है, अब जैसे हलाला और ट्रिपल तलाक की हो चुकी है, मैं ये चाहूँगी हलाला की कुरीति भी दूर हो जाए, जो एक मुस्लिम धर्म की बड़ी कुरीति है। थानों में ही मनाया गया धूमधाम स्वतंत्रता दिवस। 73वां स्वतंत्रता दिवस थानों में भी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। ध्वजारोहण के पास सभी पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई। इस मौके पर सभी पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने वहाँ बचपन में जब हम क्लास 6 में पढ़ते थे तो एक जादूगर ने हमारे स्कूल में जादू दिखाया था, वहीं से मैंने सोच लिया था जादू का जो है वो सीखना है और इसको करना है, इसे पहला कदम करना है। जिस तरीके से आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं नागरिकों को, तो एक मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब सारे कर्तव्यों का पालन एक साथ किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, अपना बिजी टाइम से टाइम निकाल के इस कला को देता हूँ और इसके माध्यम से जो है बहुत से मैसेज देता हूँ आम जनता को, और सबसे बड़ा यह है कि तनाव में भी लोग हैं उनको तनाव से मुक्त करता हूँ। अब समय होता है छोटे से ब्रेक का। जिलाधिकारी बरेली वीरेंद्र कुमार सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली डॉक्टर विनीत कुमार शुक्ल के द्वारा सूचना जनित में जारी। बधाई हो, सुना है तुम माँ बनने वाली हो। साथ में एक और खुशखबरी है माँ जी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पहली बार माँ बनने वाली हर गर्भवती महिला के खाते में औसतन 6,000 रूपए जमा किए जाएंगे, ताकि उसे मिले पौष्टिक आहार और उचित आराम। रजिस्टर करने पर 1,000 रूपए, पहला चेकअप कराने पर 2,000 रूपए, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी पर औसतन 1,000 रूपए और बच्चे के पहले चरण के टीकाकरण और जन्म पंजीकरण कराने पर 2,000 रूपए। मतलब खुशखबरी पे खुशखबरी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, रजिस्टर करने के लिए आंगनवाड़ी या आशा दीदी से संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त पर बहनों ने भाई की कलाई पर बांधी राखी, भाइयों ने दिया रक्षा का वचन। श्रावण मास की पूर्णमासी को होने वाले रक्षाबंधन का पर्व शहर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही बहनों ने भाइयों के घर जाकर भाई की कलाई में राखी बांधकर उसे रक्षा का वचन लिया। इस अवसर पर भाई बहन ने एक दूसरे का मुंह मिठा कर बधाई दी। वहीं छोटी बहनों ने भाइयों को राखी बांधी। इस अवसर पर भाई बहन के प्यार का अद्भुत नजारा देखने को मिला।
बाद। सेंट्रल जेल में सजा काट रहे भाइयों की सुनी कलाई पर बहनों ने राखी बांध कर रक्षाबंधन पर्व मनाया। इस अवसर पर अपने भाई की लंबी दुआ करते हुए बहनों ने बताया, आज स्वतंत्रता दिवस भी है और बड़ी खुशी की बात है कि आज भाई एक बहन रक्षा सूत्र बांधने के लिए बहन आज जेल में आई है, लेकिन मेरे भाई को 13 साल हो चुके हैं। और ये तो बहुत अच्छा मोदी जी ने ये किया है कि जो भी आजीवन कारावास में जो है वो 16 साल के बाद अब निकल जाएगा, तो ये तो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। मैं तो यही चाहती हूँ कि अब जेल के अंदर जो भी कैदी हैं जिसने गुनाह किया है उसको अब मोदी जी बाहर निकालें ताकि माँ बाप की रक्षा हो सके, बहनों की रक्षा हो सके। और मैं यही कहती हूँ कि मोदी जी और स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन एक हमारा सूत्र बंधन है, भाई बहन की रक्षा करने का बंधन है। तो हम यही चाहते हैं कि मोदी जी जितनी बहनें भाई माँ बाप जेल में हैं उनको निकालने की आप कोशिश कीजिए और तभी माँ बहनें भी खुश हो सके और परिवार वाले भी खुश हो सके। वहीं जेल में सजा काट रहे भाइयों ने बहनों के प्यार को एक तोहफा बताते हुए कहा, ये त्योहार भाई के लिए बहन की रक्षा के लिए होता है, बहन जो है राखी बांधती है और भाई बहन की रक्षा के लिए जो है दृढ़ संकल्प होता है। आज बहन ने आपकी राखी बांधी, कैसे लग रहा है आपको? अच्छा। भाई जिला ने भाई बहन के प्यार के पर रक्षाबंधन पर संदेश दिया। आज वैसे तो राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, राष्ट्रीय पर्वों पर हमारा जेल अवकाश होता है, लेकिन इस साल संयोग से जो है राष्ट्रीय पर्व के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ा है। हमारे यहाँ पर 2 अगस्त को आइए साहब के हमारे माननीय निदेशक मानिक महोदय की बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने साथ निर्देश दिए गए थे कि जिस दिन राष्ट्रीय पर्व के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ा है तो रक्षाबंधन का त्यौहार जो है गत वर्ष की भांति मनाया जाएगा और सभी महिला बहनों को इस बात की छूट होगी, आज के दिन आकर वो जेल में अपने बंदी भाइयों को राखी बांध सकती हैं। तो इसका हमने नोटिस भी पहले ही लगा दिया था, काफ़ी प्रचारित कर दिया था कि 15 अगस्त के दिन जो है रक्षाबंधन का त्यौहार होगा, सभी बहनों आगे अपने भाइयों से मुलाकात कर सकती है। इसके लिए हमने विशेष व्यवस्था कर रखी है, अलग से हमने जो है इंतजाम कर दिए हैं, हमारे काफ़ी बंदी रक्षक इसी कार्य में लगे, किसी बहन को कोई असुविधा ना हो और अंदर भी हमारी व्यवस्था है, तो हम सभी बहनों की मुलाकात कराएंगे तो भी आ जाएगी, अगर देर भी होगी उसके बावजूद भी हम सभी बहनों को अपने भाइयों से बंदी भाइयों से मिलवा लेंगे। बहनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 घंटे के लिए रोडवेज बस यात्रा की फ्री, जिसका बहनों ने जमकर लिया फायदा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भाई बहनों के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में प्रदेश की सभी बहनों को एक बड़ा तोहफा दिया है। जिस बहन को अपने भाई को राखी बांधने के लिए रोडवेज बस जाना होगा तो बहन को किसी तरह का कोई किराया नहीं देना होगा। इस तोहफे का गुरुवार को बहनों ने जमकर लाभ उठाया। सुबह से ही रोडवेज पर बहनों की भीड़ देखने को मिली, सभी बसें रक्षाबंधन पर बहनों से भरी नजर आई। इस मौके पर बहनों ने प्रदेश सरकार के मुखिया भैया योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा, बस में किस तरह का किराया जा रहा है? नहीं, कोई नहीं गया, अब पीलीभीत से आए हैं, पीलीभीत से ही कोई नहीं गया, अभी तो किराया लग ही नहीं रहा है। आज मुख्यमंत्री जी से पहले क्या कहना चाहेंगे? चलिए मोदी के लिए मोदी जी यही कहेंगे कि उन्होंने जो किराया फ्री कर दिया एक दिन के लिए, मैं अच्छा कहा उन्होंने बहनों के लिए एक तोहफा दिया है और अच्छा किया है बहनों के लिए, जो सुविधाजनक जो गरीब बहनें आराम से अपने भाई से मिल सकती हैं। हाँ, अच्छी पहल है ये, सब फ्री है, सब फ्री है। हाँ, अधिकतर महिलाएं बैठी हैं। 15 अगस्त को नगर निगम ने दिया शहर वासियों को तोहफा, शहर को स्मार्ट करने के लिए नगर निगम ने अपनी कमर कस ली को लेकर सड़क साफ करने की 4 रोड सीवी मशीन का गुरुवार को भावर डॉक्टर उमेश गौतम और नगर आयुक्त सैमुअल पाल ने उद्घाटन किया। यह मशीनें तंग गलियों में जाकर भी सड़क को साफ कर देंगी। मैं पहले सारे हमारे बरेली नागरिकों को 73वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और रक्षाबंधन की और कभी हार्दिक बधाई देना चाहूँगा,
और हमारे 73rd इंडिपेंडेंस डे है और 2 साल में हमारा प्लैटिनम जुबली आने वाला है, जिसमें हम लोग बरेली शहर को क्लीन स्मार्ट बरेली बनना चाह रहे हैं। आज भी एक सिंबॉलिक रूप में हमारा 4 स्वीपिंग मशीन जारी किया है, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, स्मार्ट स्वीपिंग के हिसाब से। सो आगे भी हम लोग इस तरीके से काम करते रहेंगे। हमारे मैकेनाइज्ड रोबोट्स भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो सीवर को साफ करने के लिए। सो इस तरीके से नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे जन सुविधा को बढ़ा सकते हैं, इसमें काम करेंगे। और स्मार्ट सिटी में भी आपको मालूम है लगभग 300 करोड़ का DPR हमारे पास तैयार है। सो सितंबर से काम शुरू किया जाएगा और हमारे सारे कर्मचारी सारे अधिकारी भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी हम लोग 4 ट्रांसफर स्टेशन बनाया जा रहा है। सो इसमें डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन बढ़ेगी और प्रोसेसिंग प्लांट भी हम लोग इसमें लगाएंगे ट्रांसफर स्टेशन में, कुछ ड्राई वेस्ट का और वेट वेस्ट का। और इसके अलावा एक जमीन चिन्हीकरण के भी काम चल रहे हैं, जिससे हमारा साइंटिफिक लैंडफिल डिस्पोज साइट हम लोग बनाएंगे। और विभिन्न कार्यक्रम आने वाले हैं, ओपन जिम्स आने वाले हैं, हमारे कुछ शिक्षक संस्थान जो हमारे नगर निगम का है और बाकी सरकारी है, उसमें भी हम लोग कुछ स्मार्ट क्लासेस चालू किया जा रहा है पहले प्रथम चरण में। और हमारे कुछ ब्रांडिंग एक्सरसाइज भी स्मार्ट सिटी के अंदर होगा। और हमारे एक हैंडीक्राफ्ट सेंटर बरेली के अंदर विकसित किया जा रहा है, जरी जरदोसी काम को बढ़ावा देने के लिए। और संजय कम्युनिटी हॉल पॉन्ड का भी विकास होना जा रहा है। इस तरीके से विभिन्न कार्यक्रम हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्प से और स्टेट गवर्नमेंट के हेल्प से और हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण के सहयोग से आगे अच्छा काम होगा और सबको मैं एक और बार बधाई देना चाहता हूं। यहाँ पर है कि क्या क्या निकले, रंग हरा निकले कभी रंग, यहाँ भगवा निकले। और इस कदर प्यार है भारत को, कहा कि मुझे मिट्टी से, दिल अगर चीर के देखो तो तिरंगा निकले, दिल अगर चीर के देखो तो तिरंगा निकले। जो भी हैं नाशाद उनको शाद होना चाहिए, जो भी हैं नाशाद उनको शाद होना चाहिए। खत्म जड़ से आज आतंकवाद होना चाहिए, देशभक्ति का अगर देना तुम्हें जिंदा सबूत, लब पे भारत आज जिंदाबाद होना चाहिए, लब पे भारत आज जिंदाबाद होना चाहिए। इसलिए कड़ी है कि नफरतों को दिलों से मिटाएं, प्यार के गीत सब मिल के गाएं, आज 15 अगस्त हम मनाएं। हिंदू मुस्लिम हैं, सिख या ईसाई हैं, ये आप अपने सब भाई भाई, सब दिलों से दिलों को मिलाएं, आज 15 अगस्त हम मनाएं। हर तरफ अब खुशी ही खुशी है, हर तरफ अब खुशी ही खुशी है, आज आज़ादी हमको मिली है। प्रेम की शम्मा मिलकर जलाएं, आज 15 अगस्त हम मनाएं। शहीद खान बहादुर खान की मजार पर जिला प्रशासन ने की चादर पोशी। स्वतंत्रता दिवस पर जहां पूरा देश आजादी की खुशी मना रहा है, वहीं इस आजादी में बरेली के शहीद खान बहादुर खान की अहम भूमिका रही है, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अंग्रेजों ने इन्हें हथकड़ी बंधे बंधे फांसी पर लटका दिया था। आज भी पुराने जेल के बाहर खान बहादुर खान की मजार है, जिस पर गुरुवार को जिला प्रशासन ने चादर पोशी कर शहीद को नमन किया। साथ ही उनकी 8वीं पीढ़ी से मुलाकात की। इस मौके पर जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया। देखिए, अभी मैंने कलेक्ट्रेट में भी इस चीज़ को बताया था अपने उद्बोधन में कि बरेली का जो सबसे कद्दावर, जो बरेली की सबसे कद्दावर शख्सियत है, व्यक्तित्व है आज़ादी की लड़ाई का, वो खान बहादुर खान साहब हैं, जिनकी कयादत में, जिनके नेतृत्व में बिगुल बजा आज़ादी का की लड़ाई का। और बहुत से लोग शहीद हुए, जिसमें खान बहादुर खान साहब को बहुत ही यंत्रणाएँ दी गई और इनको फांसी पर लटकाया गया। तो प्रतिवर्ष यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम होता है और उसमें हम लोग आते रहते हैं, प्रशासन के लोग आते हैं, उनके खानदान के लोग रहते हैं। और हम सभी लोगों को खान बहादुर खान साहब पर गर्व है कि वो उन्होंने अपनी कुर्बानी से एक ऐसा संदेश दिया जिससे अभी भी हम लोगों को प्रेरणा मिल रही है। मैं 15 अगस्त के अवसर पर उनको नमन करता हूँ, उनको सर झुकाता हूँ
और आप सबकी ओर से उनके प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त करता हूँ। वहीं शहीद खान बहादुर खान की आज भी पीढ़ी जिला प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा। मेरा नाम छप्पन खान है, मैं आज की पीढ़ी में खान बहादुर खान की हूँ। मैं इस प्रोग्राम को बहुत बरसों करता चला रही हूँ। आज मैं हमें बड़ा गर्व की बात का है कि हमारे डीएम साहब जो हैं पार साहब जी, आपकी कयादत में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और अब भी आपके कयादत इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ कि मैं तारीफ नहीं कर सकता हूँ अपने शहर के डीएम साहब की, जितने उनको खुलूक और मोहब्बत खान बहादुर खान से और हमसे जितनी मोहब्बत है मैं उनका खुद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हर बात में। और जितने भी अधिकारी हैं उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। न्यूज को आप हमें अगर यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज खबर देने के लिए हमारे पास संपर्क करें फोन नंबर 9760095470। ये हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली का गंगाश्री हॉस्पिटल डीपुरम बरेली। समझ रहे खत्म होता है, अगले टाइम पर मुलाकात होगी।